देखिये आज हम सीखेंगे ये बहुत ही सुंदर सा नीटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं लेडीज कारिगन में लेडीज जैकेट में लेडीज श्रग में बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं देखिए फ्रंट साइड में ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है तो फ्रेंड इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो टेन के मल्टीपल से होंगे प्लस थ्री फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे एक फंदा साइड में डिजाइन को इक्वल करने के लिए और दो फंदे एस्टिच के होंगे और ये जो डिजाइन है ये टोटल फोर्टीन राव का डिज़ाइन है तो चलिए फैन बनाते हैं ये देखिए फैन, यहाँ पर मैंने ट्वेंटी थ्री फंदे लिए हैं ट्वेंटी फंदे टेन के मल्टीपल से लिए हैं प्लस तीन फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं और ये देखिए बैक साइड से मैंने एक रो उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है ये देखिए यहाँ पर हमने ये पैटर्न नीचे ये बॉर्डर बनाकर ऊपर बनाया है यहाँ पर मैं आपको विदाउट बॉर्डर आप बताऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे डलेगा आप इसे बॉर्डर के साथ और विदाउट बॉर्डर जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं ये देखिए फर्स्ट रॉ है और राइट right साइड है ये देखिए अगर आपने इस डिज़ाइन को विदाउट बॉर्डर बनाना हो तो आप पहले फंदे डाल लीजिए उसके बाद एक रो आप उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल लीजिए ये देखिए ये इसकी फर्स्ट रॉ है और राइट right साइड है हम स्टिच ऐसे ही उतारेंगे धागा आगे करेंगे और इस सारी रॉ को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे इसकी फर्स्ट रॉ राइट साइड सारी उल्टे, उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे सेकेंड रो रॉन्ग साइड रॉन्ग साइड सारी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे हर बार इसकी रॉन्ग साइड उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे रोथ हर राइट साइड अब देखिए एस्टिच ऐसे ही उतारेंगे अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे जाई डालेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे वन टू थ्री फिर धागा आगे करेंगे और तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बनते हुए फिर धागा पीछे करेंगे फिर से तीन फंदे सीधे वन टू थ्री धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे ये देखिए स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है ये हमारा टेन फंदों का पैटर्न है काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यहाँ तक हमारे टेन फंदे हो गए हैं इसमें हमने एक फंदा सीधा बनाया फिर जारी डाली फिर तीन फंदे सीधे बनाए तीन फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए बनाया फिर तीन फंदे सीधे फिर धागा आगे करके जाली डाली है फिर से देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे और तीन फंदे सीधे वन टू थ्री धागा आगे करेंगे और तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा पीछे तीन फंदे सीधे वन टू थ्री धागा आगे जाइ डालेंगे और लास्ट में दो फंदे सीधे बना लेंगे रो फिफ्थ राइट साइड ए स्टिच यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे और तीन फंदे सीधे वन टू थ्री धागा आगे करेंगे तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बनते हुए धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे वन टू थ्री धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे स्टार्टिंग का इससे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कम्प्लीट हो गया है ये देखिए इसमें हमने एक फंदा सीधा बनाया जारी डाली तीन फंदे सीधे बनाए तीन फंदों को एक फंदा बनाया तीन फंदे सीधे बनाए और फिर जारी डाली ये हमने इसकी फिफ्थ रो जो है वो सेम इसकी रो थर्ड की तरह ही बुनेंगे फिर से एक फंदा सीधा धागा आगे जारी डालेंगे और तीन फंदे सीधे वन टू सी धागा आगे तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बनते हुए धागा पीछे तीन फंदे सीधे टू थ्री धागा आगे जारी डालेंगे लास्ट के दो फंदे सीधे बना लेंगे रो सेवन राइट साइड देखिए स्टिच ऐसे ही उतारेंगे रो सेवन को भी रो थर्ड की तरह ही बुनेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे तीन फंदे सीधे वन टू थ्री धागा आगे करेंगे और तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए धागा पीछे फिर से तीन फंदे सीधे वन टू थ्री धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे स्टार्टिंग का ऐसे ऐसी छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया इसमें हमने एक फंदा सीधा बनाया जारी डाली तीन फंदे सीधे बनाए फिर तीन फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए बनाया फिर तीन फंदे सीधे जारी डाली फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे जारी डालेंगे और तीन फंदे सीधे टू थ्री धागा आगे करेंगे तीन फंदों का एक फंदा बना लेंगे उल्टा बनते हुए धागा पीछे तीन फंदे सीधे टू थ्री जारी डालेंगे और लास्ट के दो फंदे सीधे बना लेंगे रो नाइन राइट साइड एस्टिच ऐसे ही उतार लेंगे अब देखिए दो फंदे सीधे बनाएंगे वन टू धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे वन टू धागा आगे करेंगे और तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बनते हुए धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे वन टू धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे वन टू थ्री ये देखिए स्टार्टिंग के तीन फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है ये देखिए इसमें हमने जाली डाली फिर दो फंदे सीधे बनाए फिर तीन फंदों का एक फंदा बनाया फिर दो फंदे सीधे जाली डाली और तीन फंदे सीधे बनाए हैं फिर से देखिए धागा आगे करेंगे और जाली डालेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे वन टू धागा आगे करेंगे तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बनते हुए धागा पीछे दो फंदे सीधे धागा आगे और लास्ट के तीन फंदे सीधे बना लेंगे टू थ्री रॉ इलेवन राइट साइड स्टिच एस ऐसे ही उतारेंगे अब स्टार्टिंग के तीन फंदे सीधे बनाएंगे वन टू थ्री धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे और तीन फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए बनाएंगे धागा पीछे फिर एक फंदा सीधा धागा आगे जारी डालेंगे फाइव फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव ये देखिए यहाँ पर हमने स्टार्टिंग का एसिड छोड़ा है और फिर तीन फंदे सीधे बनाए फिर जारी डाली एक फंदा सीधा बनाया अब यहाँ पर ये सेंटर के फंदे डिक्रीज़ हो रहे हैं और यहाँ पर ये वाले फंदे जो हैं साइड के हमारे इंक्रीज़ होंगे एक फंदा सीधा बनाया तीन फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा फिर जारी डाली और फाइव फंदे सीधे बनाए हैं फिर से धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे एक फंदा सीधा धागा आगे जारी डालेंगे और तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बनते हुए धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा जारी डालेंगे और लास्ट के फोर फंदे सीधे बना लेंगे वन टू थ्री और फोर रो थर्टीन राइट साइड स्टिच ऐसे ही उतारेंगे अब स्टार्टिंग के फोर फंदे सीधे टू थ्री फोर धागा आगे करेंगे और जारी डालेंगे ऐसे घुमाते हुए जारी डालेंगे और आगे लेकर आएंगे और तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बनते हुए धागा आगे ही रखेंगे जारी डालेंगे और सेंटर के सेवन फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब देखिए स्टार्टिंग का एस्टिच छोड़कर यहाँ पर हमने स्टार्टिंग के फोर फंदे सीधे बनाए फिर जारी डाली तीन फंदों का एक फंदा बनाया फिर जारी डाली और सेवन फंदे सीधे बनाए हैं फिर से धागा आगे करेंगे और ऐसे घुमा कर जारी डालते हुए आगे लेकर आएंगे और तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे उल्टा बुनते हुए धागा आगे ही रखेंगे जाली डालेंगे और लास्ट के फाइव फंदे सीधे टू थ्री फोर फाइव ये देखिए हमारी फोर्टीन रॉ कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है फिर से हम इसे फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करेंगे ये देखिए यहाँ पर अगर आप इसे विदाउट बॉर्डर भी बनाएंगे तो ये ऐसे नीचे से जैग पैटर्न इसका बनेगा और आप इसे एज ए बॉर्डर भी यूज़ कर सकती हैं ये देखिए रॉ फोर्टीन कंप्लीट हो गई है और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है ऐसे ही बार बार इसे रिपीट करते जाएंगे और ये डिज़ाइन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो